नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड के रामपुर हंचलपुर मार्ग के कुरिया नाला पर पुल निर्माण कार्य सेतु निर्माण उपसंभाग धमतरी द्वारा किया गया है, जिसकी स्वीकृति राशि 8,49,00,000 बताई जा रही है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य को कितनी गुणवत्ता से किया गया है वो बारिश की शुरुआत में ही पता चलने लगा है। वहीं प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होने से ठेकेदारों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण कार्य में विभाग और ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य कर शासन के पैसे का जमकर बंदरबाज किया गया है। निर्माण कार्य को अभी 6 माह भी नहीं हुए हैं और पुल का अप्रोच रोड का डांबरीकरण अभी से जगह जगह धंसना और दरारें आना चालू हो चुकी हैं। वहीं डांबरीकरण रोड के शोल्डर पर मुरम की जगह मिट्टी को डाला गया है, जो अब हल्की बारिश से ही बहकर आसपास के किसानों के खेतों में जा रही है। इसका कारण ये भी है कि पत्थर पीचिंग कार्य में पत्थरों के जोड़ को सीमेंट से बंद करने की जगह मिट्टी बंद की गई, जिसके कारण अब पत्थरों के जोड़ से पानी जाकर मिट्टी बहने लगी है और पत्थर नीचे दबने लगे हैं। ग्रामीणों की माने तो पुल का अप्रोच एक बारिश में ही टूट जाएगी। जो जॉइंट है तेमें और ठीक से वाला मरम्मत करके फिर से लगाए पत्थर में कलेक्टर महोदय ला के जाँच करना चाहिए, एक निरीक्षण करके ना एक स्वीकृति किया जाए और फिर से निर्माण किया जाए। रोड ला होना चाहिए, कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। दो नंबर काम करके भाग गए है बे। आज वो जो किसान वाले बहुत परेशानी है, घर वाले मतलब भी परेशानी है, मिट्टी मतलब हटाइस भी नहीं है, एक तो तकलीफ। निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता युक्त काम करने हेतु हमने निर्देशित किया है। किसी भी तरह की शिकायत किसी भी निर्माण एजेंसी की हमारे पास आती है तो हम लोग तत्काल उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश के कांग्रेस की सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मंत्री पीसी शर्मा द्वारा दिए गए बयान को लेकर आज जनता दल यूके प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने समर्थन करते हुए कहा कि शराब नीति मध्य प्रदेश में पूर्णतः बंद होनी चाहिए। शराब माफिया गांव-गांव में पहुंचकर जगह जगह प्राइवेट ठेका के तहत हर घर तक शराब पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। वहीं कांग्रेसी सरकार के वचनबद्ध और घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस को जल्द इस पर कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश को शराब मुक्त प्रदेश बनाएंगे और पूरे प्रदेश में शराब बंद की जाएगी। उसी घोषणा पत्र के तहत पीसी शर्मा ने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करेंगे। आज मध्य प्रदेश के जो जनसंपर्क मंत्री हैं पीसी शर्मा जी, उनका बयान आया है कि प्रदेश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए। निश्चित तौर पे स्वागत योग बयान है और जनता दल यू पूरी तरह इस बयान का समर्थन करती है, चाहती कि प्रदेश में शराबबंदी हो। शराब माफिया और कुछ अधिकारी चाहते हैं कि राजस्व के नाम पर पूरे प्रदेश में गांव-गांव में उप दुकान के नाम पर शराब दुकानें खोल दी जाएं और साथ ही साथ जो आहते पिछली सरकार ने बंद की कर दिए थे शराब के जन विरोध के चलते, उन्हें पुनः खोल दिया जाए। मंत्री जी ने इस बात कहा है कि ये इसे राजस्व की पूर्ति जो है वो फाइनेंस कमीशन के माध्यम से की जा सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति है तो बगैर किसी फाइनेंस सपोर्ट के भी ये बात की जा सकती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण बिहार में है। और बिहार सरकार से हम सबक लेते हुए कि बगैर किसी राजस्व के हानि के वहाँ पे शराबबंदी की गई, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि पूरे प्रदेश के अंदर अपराध में कमी आ गई, साथ ही साथ वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार आया है। मध्य प्रदेश को शराब के और नशे के दलदल में ना ढकेला जाए, ये हमारी मांग है। जनता दल इसका पूरा शराबबंदी का समर्थन करता है और साथ ही साथ हम तो कांग्रेस को यह याद दिलाना चाहते हैं कि उनके घोषणा पत्र वचन पत्र में भी चुनावी वचन पत्र में शराबबंदी का उल्लेख है, तो कम से कम अपने वचन पत्र को अपने घोषणा पत्र को याद रखें और प्रदेश में शराब माफियों की ना चलने दें और प्रदेश में शराब माफिया को ख़त्म करें और पूरी तरह शराबबंदी को लागू करें। आज जो बजट आया है इसको कैसे क्या सरकार करो? देखिए, जो ये बजट है ये हम ये कह सकते हैं कि खट्टा मीठा बजट है और इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रगतिशील बजट हम इसको कह सकते हैं।
जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के द्वार पर भूख हड़ताल पर बैठे राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, जो पिछले 2 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कि अचानक शाम को हालत बिगड़ने से जबलपुर जिला विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक्सवार्ड के माध्यम से भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज चल रहा है। वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ कार्यकारिणी के सदस्य राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा की मांग है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 7वां वेतनमान लागू किया जाए और कर्मचारियों को समय मान वेतन मान दिया जाए। और विश्वविद्यालय के अनेक कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे राजेंद्र प्रसाद का ये कहना था कि आरडीवीवी में कई प्रकार की अनियमितताएं चल रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन से बात की जाती है, पर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। जी भैया, क्या हो गया था? मैं 2 तारीख से भूख हड़ताल में बैठा था। मैं राजेंद्र दुर्गावती विश्वविद्यालय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हमारे कुछ कर्मचारियों की मांग थी 7वां वेतनमान का एरियस, समयमान वेतनमान 8-13 की अंतर राशि के लिए। मैं 2 तारीख से कंटिन्यू आज तक बैठा हूं। कल मेरी कुछ हालत गड़बड़ हुई तो पुलिस प्रशासन के उससे जो है तो मेरे को विक्टोरिया में जाकर भर्ती कर दिया गया। मैं अभी जो है तो विक्टोरिया में भर्ती हूं। और कब से बैठे थे आप? मैं 2 तारीख से कंटिन्यू बैठा हूँ। और सातवें कर्मचारी हैं जिनकी मांगे हैं, समस्या और भ्रष्टाचारी फैली हुई है विश्वविद्यालय में। भ्रष्टाचारी के उसमें बैठा था और 3 मांगे थी तो अभी तक कोई भी नहीं। कल मांगे थी मेरे मांगे ये थी कि 7वां वेतन के एरिया से समान वेतनमान और 8-13 के अंतर राशि जो है तो कर्मचारियों को दिया जाए और जो विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचारी चल रही है उसको बंद किया जाए। इसके उसमें मैं बैठा था। आज तक जो है तो प्रशासन जो है तो सुन नहीं रहा। प्रशासन कल बुलाया था कि हम जो है तो आज आर्डर निकाल देंगे, अभी तक नहीं निकाला। भूख हड़ताल राजेंद्र कुशवाहा कार्यकारिणी सदस्य। जबलपुर के पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने 2 दिन पहले जबलपुर जोन की अपराध समीक्षा में जेल में रची जा रही साजिशों को लेकर आगाह किया था। कलेक्टर और SP की अगुवाई में 30 सदस्यीय टीम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में औचक छापा मारा। अलग अलग बैरकों से गांजा, नकदी, धारदार रॉड जब्त की गई है। 30 सदस्यीय टीम में 2 घंटे तक बैरकों को खंगाला। कलेक्टर भरत यादव, SP अमित सिंह, क्राइम ब्रांच SDM और ASP की 30 सदस्यीय टीम ने शाम 4 बजे सेंट्रल जेल में छापा मारा। 2 घंटे तक अलग अलग बैरकों की जांच में टीम ने 8 बंदियों से कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। बैरक नंबर 9A से गांजे की पुड़िया, 500-500 रुपए के 2 नोट, सेफ्टी पिन, चूना आदि जब्त किया गया है। बैरक 9B से बेल्ट, पतला तार, लोहे की धारदार पट्टियां जब्त की गई हैं। सूत्रों की माने तो खुफिया सूचना पर यह छापा मारा गया है। सेंट्रल जेल की सरप्राइज चेकिंग में अलग अलग बैरकों से गांजे की पुड़िया, चूना, आपत्तिजनक पतला तार, लोहे की पट्टियां, सेफ्टी पिन और बेल्ट आदि जब्त हुए हैं। जेल में ये कैसे पहुंचे, इसकी जांच रिपोर्ट कलेक्टर ने तलब की है। जांच के दौरान महबूब अली के बेटे लकी खान के बैरक के बाहर लोहे का नुकीला रॉड मिला है, जो काफी गंभीर है। छोटू चौबे भी जेल में है, दोनों गैंग में रंजिश है। सेंट्रल जेल में कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है, ये जेल प्रशासन की लापरवाही है। SP से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट के आधार पर शासन को कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। चेकिंग के दौरान जेल की व्यवस्थाओं, लाइब्रेरी, भोजन की गुणवत्ता आदि की भी जांच की गई है। एक जेल कंडक्ट की है, क्या कुछ बरामद हुआ, कितनी क्वांटिटी में बरामद? देखिए, जेल में ये औचक निरीक्षण कलेक्टर सर के नेतृत्व में किया गया और सारे SDM, एडिशनल SP और क्राइम का पूरा अमला था। इस पूरी रेड में जो अभी तक जब्ती की गई है उसमें 1000 रुपये मिला है, गांजे की पुड़िया मिली है, चूना मिला है, एक आपत्तिजनक पतला लोहे का एक तार मिला है जो आपत्तिजनक है, लोहे की पट्टियां मिली हुई हैं। इसके अलावा और भी चीज़ अभी एक टीम हमारी लगातार सर्चिंग कर रही है, ये आपत्तिजनक है। सेफ्टी पिन मिला है जो आपत्तिजनक है, किसी को भी उससे घाव किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो नहीं रहनी चाहिए जेल में वो मिली हैं। जिन लोगों से मिली है उससे जब्ती किया जा रहा है और निश्चित तौर पे समय समय पर ऐसी जो सरप्राइज चेकिंग है वो कंटिन्यू होती रहेगी। ये बैंक ये कैसे आया जेल में ये जांच का विषय है। PC के दौरान क्या इनके मिलने वालों के द्वारा इनको दिया गया, इसमें पुलिस की कहीं कोई सांठगांठ तो नहीं है या जेल के लोगों की कोई मिली भगत तो नहीं है, ये हमारी जाँच का विषय रहेगा। आज की जो रेड हुई है इसकी रिपोर्ट कलेक्टर सर को देंगे और संयुक्त रूप से हम इसकी जांच भी करेंगे कि ये चीज़ें जो जेल के अंदर पाई गई हैं वो यहाँ तक आई कैसे। सर, लगभग कितने लोगों के पास ये सारी आपत्ति? लगभग 7-8 लोगों के पास मिली है। जैसे एक हमारा महबूब खान का जो बेटा है लकी खान, उसके बैरक के बाहर लोहे के रॉड मिले हैं, उसमें नुकीला, अभी वो पार्टी अभी हमारे पास आई नहीं है,
तो वो लोहे का रॉड नुकीला कैसे हुआ, कैसे आया, क्योंकि इस जेल में छोटू चौबे भी बंद है और दोनों अलग अलग गैंग हैं, दोनों एक दूसरे के एक तरीके से होस्टाइल हैं, दुश्मनी इनकी काफ़ी लंबे समय से चल रही है और हमारे टारगेट पे, हमारे रडार पे, हमारे सर्विलांस पे हैं, लेकिन उसके बैरक के पास से ये जो लोहे की नुकीली रॉड मिलना आपत्तिजनक है, ये आई कैसे, ये जांच का विषय है। जिनके पास मिला है क्या उनका कोई खतरनाक रिकॉर्ड है? वो अभी उनका रिकॉर्ड देखा जाएगा। मैंने लकी का बताया, महबूब अली का बेटा है जो नोटोरियस क्रिमिनल है और कई मामलों में वांछित है, हमने NSA भी उसका किया था और छोटू चौबे भी इसी जेल में निरुद्ध है, NSA उसका भी किया गया है। तो हम लगातार पता कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि ये लोहे की जो रॉड है, नुकीली है, ये कैसे। जी सर, आज जेल पर, हाँ जेल पे आज औचक निरीक्षण किया गया है SP साहब और प्रशासन की मेरी टीम के द्वारा, और उसमें अलग अलग वार्डों में टीम बना के ये निरीक्षण किया गया। कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली हैं, अभी उसका विवरण मेरे ADM और SP साहब यहीं हैं, अभी जांच चल ही रही है, उसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, आपत्तिजनक जो भी चीज़ें मिली उसके आधार पर कार्रवाई होगी। बाकी जो यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, जो यहाँ की लाइब्रेरी है, इग्नू सेंटर है, यहाँ पर जो खाना बनाने का सिस्टम है, उन सब चीज़ों को भी देखा गया है कि वहाँ और क्या बेहतर किया जा सकता है। काफ़ी हद तक व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन जो भी चीज़ें पकड़ में आएंगी, क्योंकि आज हम मेनली औचक इसीलिए आए थे कि आपत्तिजनक चीज़ें तो नहीं है, तो उसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की विजिलेंस और शहर की टीम ने निर्माणाधीन नए रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्य पर छापा मारा तो पता चला कि ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से पिछले कई टाइम से बिजली का उपयोग किया जा रहा था और उपयोग में आने वाली मशीनों को अवैध रूप से बिजली के उपयोग कर चलाया जा रहा था। विजिलेंस ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कर मशीन को मौके से जब्त किया। अच्छा, तो अभी आपने क्या जब्त कराएंगे? डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में अवैध रेत और गिट्टी के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। माइनिंग विभाग ने डुमना रोड पर कंक्रीट प्लांट पर छापा मारा, जांच की तो पता चला कि इस स्टॉक के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है। विभाग ने रेत और गिट्टी के करीब 1900 घन मीटर अवैध भंडार और 2 JCB को जब्त कर लिया है। वहीं निर्माण कंपनी के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिले के प्रभारी खनिज अधिकारी देवेंद्र पटेल ने बताया कि डुमना रोड पर बेंगलुरु की कंपनी विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का कंक्रीट निर्माण प्लांट चल रहा है। शिकायत मिली थी कि यहां पर अवैध रूप से रेत का स्टॉक किया जा रहा है, इसी प्रकार गिट्टी का स्टॉक भी किया गया है। कलेक्टर भरत यादव ने इसकी जाँच के निर्देश दिए थे, उसी आधार पर जाँच की गई है। डुमना क्षेत्र का जो अभी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, उसमें उस क्षेत्र में लगातार अवैध मुरोम रेत और मिट्टी के उत्खनन, परिवहन, भंडारण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हमारे द्वारा जो है जाकर के मौका जांच किया गया। वहां पर डुमना एयरपोर्ट के समीप जो है एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेंगलोर की कंपनी है जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर रही है, तो बिना अनुमति से जो है रेत गिट्टी का स्टॉक करके जो है उसका उपयोग कर रहा था। मौके पे हमारे द्वारा जांच की गई, जांच में कंपनी के पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज नहीं थे कि वह जो है गिट्टी और रेत को स्टॉक कर सके, और जानकारी में आसपास से प्राप्त की गई, उनके द्वारा भी बताया गया है कि यहाँ पर जो है गिट्टी और रेत बिना रॉयल्टी के ला करके स्टॉक किया जा रहा है। हमारे द्वारा जब्त की गई, भंडार में लगे हुए 2 JCB जब्त किया गया है, खमरिया थाने में खड़ा कराया गया है और प्रकरण जो है न्यायालय कलेक्टर समक्ष आज प्रस्तुत कर रहे हैं। कितना जब्त किया गया हमारा? लगभग उसमें 1000 घन मीटर रेत है और 1900 घन मीटर गिट्टी है, ये जब्त किया है और 2 JCB जब्त करके हमने थाना में खड़ा कराया है। शुक्रवार को विकासखंड मंडला के ग्राम सागर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडला द्वारा शासकीय उच्चतर विद्यालय सागर में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण और निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय में जल सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में जन जागृति के लिए नुक्कड़ नाटक गायन वादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जरमैक्स कीटनाशक दवा का वितरण किया गया। गायन वादन टीम में थे अयोध्या जंघेला, रामचरण झारिया, रघुवीर वंशकार, गोपाल जंघेला और दुर्गेश व्यायाम शामिल थे। विभाग की ओर से RK शुक्ला हैंडपंप टेक्नीशियन और गया प्रसाद गर्ग विकासखंड समन्वयक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी प्राचार्य सागर अखिलेश चंद्रोल द्वारा भी जल संरक्षण के संबंध में बताया गया। सरकार कब तक बैठे हुए सरकार के भरोसे, अब सरकार तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करने आ
आएगी। अच्छा। और तुम तो सोच रहा भैया कि सरकार अच्छा सा कौन बनाएगी और तुम्हारे मुंह में ठूस देगी सरकार। अरे भैया आखिर सरकार बनाती है योजना, काम हमें मिलजुल के करना है भैया, और करेंगे ऐसे काम तभी बनेंगे हमारे गांव स्वावलंबी ग्राम। अरे तो स्वावलंबी ग्राम हम नहीं समझे भाई, ये अपने पैरों पर खड़ा खुशहाल गांव रे भैया। भाई हम दूसरे के पैर में खड़े हम जे पावन की बात नहीं कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी सड़क जिस गांव में कोई समस्या ना हो सर वही गाँव स्वावलंबी ग्राम। जो है अपन के बना रहा हुआ बुद्धू बुद्धू है, अगर हम नहीं बने आए दो चार छिया किताब का पढ़ती आ गए है जब हवा में उड़ा जा रहा है। अरे हवा में नहीं उड़ गया, कुछ काम की बातें बता रहे हैं तुम्हें। अब अगर तुम्हें ज्यादा ही तकलीफ समझ में आ रही तो हम जा रहे हैं। नहीं भैया जरिया के समझा समझा पागल हो गए हम। अरे अपने गांव में कुछ अच्छा काम करना है, अपने गांव को अच्छा बनाना है, हमारे गांव के बच्चे अच्छा पढ़े लिखे, हमारे गांव में बढ़िया पानी मिले, साफ सफाई हो, तो ऐसे लिए जो है सरकार की ओर से बहुत सारी योजना चल रही। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।